हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज कौशल किशोर द्विवेदी और आज हम के क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के चैप्टर वन पे जाएंगे जो है वाल्व के बारे में तो मैं बता दूं इस पूरे सीरीज में ये पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं जिसमें वाल्व के बारे में ही होगा बेसिकली पूरा तो पहला ये ये पॉइंट वॉट इज वाल्व तो वाल्व वो डिवाइस है मैकेनिकल डिवाइस है जिसमें हम कोई भी फ्लुड को रेगुलेट करते हैं उसका फ्लो कम ज्यादा स्टॉप अलाउ टू फ्लो पार्शियली ओपन ये सब करते हैं उसके प्रेशर को चेंज करते हैं और इस पूरे सीरीज में हम जो बात करेंगे वो बॉल बटरफ्लाई चैक गेट क्लोव टाइफ्रम फ्लैश बॉटम वाल, प्लग वाल मिटल फॉल पीआर वी पी एस वी सोलिनॉइड को एक्शियल के इन सब के बारे में बात करेंगे और साथ ही हाइड्रोलिक ये जितने भी आपके कंट्रोलर होते हैं जो आप प्लांट में देखते हैं कंट्रोलर उनके बारे में बात करेंगे जो हाइड्रोलिकली होते हैं फिनोमेटिक मोटर ऑपरेटेड और सोलिनॉइड मैनुअली ऑपरेटेड तो नॉर्मल है बाकी ये चार जो हैं एक दो तो, तीन चार ये इनके बारे में पढ़ेंगे और इसमें आपका जो होगा वो यही होगा पूरा वाल के बारे में इंट्रो होगा उसके कितने टाइप होते हैं गेट है तो गेट के कितने टाइप हैं और उससे रिलेटेड अगर आप कहीं खड़े हैं प्लांट में आपको आइडेंटिफाई करना है बेसिकली ये पूरा मेरा लिखने का यही मतलब है कि आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए किसी भी चीज की कि सामने जो रखी है चीज वो होती क्या है हम कैसे पता करेंगे किसका फ्लो किधर जा रहा है कहाँ जा रहा है अगर हाइट पर लगाए तब तो आप देख नहीं पाएंगे किधर से किधर जा रहा है तो आपको इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि उस आप आइडेंटिफाई कर पाए और उसकी पी एन आई डी क्या होगी ठीक और वो किस लाइन में लगेगा उसी में क्यों लगेगा ये सब पता करेंगे हम